हेलो दोस्तों, भारत चीन विवाद के ऊपर, भारत चीन युद्ध के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चीन के अंदर एक डर बैठ चुका है कि अमेरिका कभी भी चीन के ऊपर हमला कर सकता है। और अगर अमेरिका चीन पर कभी भी हमला कर सकता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चीन के अंदर एक जिसे कहते हैं हाई अलर्ट लेवल की सिचुएशन आ चुकी है। और इस हाई अलर्ट के चलते जिसे कहते हैं कि पूरी प्रिपरेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है और टेंशन या जिसे कहें एड्रेनल लेवल वो बहुत हाई लेवल पर है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उस जो युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें चीन की तैयारी जो है वो उसी हिसाब से देखने को मिल रही है, चीन का डर उसी हिसाब से देखने को मिल रहा है, एक जो एंग्जाइटी है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो सवाल ये है कि ये डर कैसे आया। तो असलियत में जिनहुआ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं यान कुतोंग, ये यान कुतोंग जो हैं इनका दावा है और भारत से तनाव के चलते अमेरिका जो है वो चीन पर हमला कर सकता है और सीधा हमला कर सकता है, बस उसे अपने देश में होने वाले जो राष्ट्रपति चुनाव हैं उनका इंतज़ार है। अब सवाल तो यहीं से है कि अगर उन्हें अपने देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों का इंतज़ार है तो असलियत में चीन जो है उन तारीखों को हिसाब में ध्यान में रखते हुए उन तारीखों के हिसाब से अपनी तैयारियों को देख रहा है और अपने जिसे कहते हैं सर्दियों का इंतज़ार और कर रहा है कि आने वाले समय में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। और अगर अमेरिका ने सीधा युद्ध किया तो हो सकता है सिचुएशन इस तरीके से आ जाए कि चीन का बंटवारा हो जाए या चीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। दोस्तों यही एक सबसे बड़ा डर है, क्योंकि समस्या को समझिए, चीन जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है और अपने किसी भी पड़ोसी देश को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है, लगभग हर पड़ोसी देश के साथ उसका 36 का आंकड़ा हो चुका है। यहाँ तक कि हम ये मानकर चल रहे थे कि लाओस जैसा देश जो उसके कर्ज में दबा हुआ है वो शांत है, लेकिन जिस तरीके से लाओस के अंदर भी उसने अतिक्रमण किया और जगहों पर कब्जा करना शुरू किया, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पूरे का पूरा लाओस के अंदर एक जो कॉमन मासेस हैं उनके अंदर चाइना के खिलाफ नफरत जो है वो उत्पन्न होती जा रही है। और हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसा सुनने को मिले कि लाओस में भी चीन की कंपनियों के विरोध में प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से म्यांमार में अगर आप देखें तो पहले तो लोकतांत्रिक सरकार ने म्यांमार में नेपाल चाइना से दूरी बनाई, लेकिन अब वहाँ की सेना ने भी चीन से दूरी बनाना शुरू कर दिया है और चीन से मंगवाए जाने वाले हथियारों को भी की खेप को भी रोक लगा दी है और चीन के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है कि चीन जो है वो म्यांमार के जो आतंकवादी संगठन है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है और म्यांमार के इंटीग्रिटी के लिए ये सब चीज़ें खतरा हैं। तो दोस्तों असलियत में चीन की जिस तरीके से बदनीयती है और चीन जिस तरीके से समस्याएं क्रिएट कर रहा है, वैसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो अमेरिका जैसे देश के पास भी ऑप्शन नहीं है कि साउथ चाइना सी के अंदर अपना किसी भी तरीके का जो दावा है वो छोड़े या कम करे, क्योंकि आने वाले समय में अगर चीन ने साउथ चाइना सी के अंदर कब्जा कर लिया तो आने वाला समय जो है वो पूरे तरीके से किसी भी तरीके के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि दुनिया का 60% व्यापार जो है वो इसी साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। ऐसे में भारत को अच्छी खबर यह है कि चीन अगर भारत से युद्ध करता है और अमेरिका सामने अगर साथ में भले ही ना आए लेकिन किसी ना किसी तरीके से दूसरे देशों के थ्रू लड़ रहा होगा तो चीन के ऊपर दबाव बनेगा और वो बात भारत के पक्ष में ही जाएगी। तो आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगी इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अब दुनिया जो है वो चीन के विरोध में आ चुकी है और उसमें सबसे बड़ा लीडर जो बनकर उभरा है चीन के विरोध का वो है अमेरिका। तो देखते हैं ये युद्ध कब शुरू होता है, क्योंकि हालात तो जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं और चीन जो है वो मानने वाला नहीं है, ये भी पक्का है। धन्यवाद।